या किसी भी कारण से या किसी भी मैटर से, या कोई बड़े यूट्यूबर या इनकम आता है, ये है वो है, दिस डेट करके उनको फंसाया गया, किन्नर समाज को लेके उनको फंसाया गया। जबकि प्रेस क्लब गोरखपुर में, मतलब जो वो बैठक हुआ था उनको वकील के साथ, अभिवक्ता के साथ, रिंकी निषाद उनका नाम है, और निषाद समाज से, मतलब वो एक संगठन है, तो आप लोग जानते ही हैं उसके बारे में। कहा जाए, हम कभी सोचे नहीं थे ना कि दूसरों को इंसाफ दिलाते दिलाते हमें खुद को लिए इंसाफ मांगना पड़ेगा, वो भी कानून से। जिस कानून के पास हम लोग इंसाफ मांगने जाते हैं, वही कानून हमें झूठा झूठा धारा लगा के, एक नहीं नौ नौ धारा लगा करके फंसा दिया आपको। उसी मैटर पे अभी इतना बवाल खिरा हुआ है, इतना मालती कहाँ गई उसका अब कोई खबर नहीं है, उसका अभी तक कोई अपडेट न्यूज़ नहीं आ रहा। क्या हुआ, क्या मैटर है, क्या इंसाफ मिला उसको, किस वजह से उसकी मौत हुई, किस कारण वो मरी है, क्या मैटर है उसका, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल, भाई बहुत कुछ निकाल सकता है ना इंसान। पुलिस प्रशासन बस इसके मैटर में आ गए हैं अभी, गोरखपुरिया भौजी रिंकी निषाद। तो उनका कहना है कि मैं थाने पे, जब वो किन्नर समाज तांडव मचा रहे थे उसके बाद हम लोग गए, तांडव के बाद हम लोग गए वहाँ पे। तो वकील साहब का कहना है कि गोरखपुरिया भौजी जो है अपने आप को साबित करना चाह रही है कि मैं निर्दोष हूँ। सही है, अगर उन्होंने निर्दोष है तो कॉल रिकॉर्डिंग होगा, कॉल रिकॉर्डिंग, बात करने का डिटेल निकाला जाए, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा थाना में है, वो थाने का सीसीटीवी कैमरा निकाला जाए, मोहली थाने का, काली जगदीशपुर मोहली थाने का। मामला क्या है, किस थाने का मामला है, कहाँ का मामला है? ये मामला है संत कबीर नगर मोहली थाने का, जहाँ पे मालती चौहान के पिताजी द्वारा मुझे बुलाया जाता है और बोलते हैं कि बेटी आइए और चल के थाने पर कुछ बात करना है, अपराधी एक ही पकड़ा गया है, बाकी अपराधी घूम रहे हैं, उसी के विषय में हम कैदी के लिए गए हैं। अगर कोई महिला आगे चढ़ के, बढ़ चढ़ के अगर किसी का इंसाफ दिलाती है, किसी को सपोर्ट करती है और किसी के मौत का लड़ाई लड़ रहा है, तो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। भाई आप लोग सपोर्ट करें, क्या इनकम है, क्या नहीं है, किस चीज़ के वजह से है, क्या नहीं है, वो सब क्यों कर रहा है। अगर गोरखपुरिया भौजी गलत है तो प्रशासन जेल ले जाए, पूरी सच्चाई को देखते हुए, सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग को देखते हुए, थाना का जो मोहली थाना का रिकॉर्डिंग है उसको देखते हुए, अगर उसमें सबूत ठहराता है, राधा राज का गोलूर है, फिर गोरखपुरिया भौजी है, बहुत 6-7 यूट्यूबर हैं, ये 10 तारीख का घटना है, ये घटना 10 तारीख का, ये बढ़ता जा रहा है, अभी कोर्ट तक ये मैटर चला गया है। और इस मैटर में सबसे अगर बड़ा मुद्दा है तो बस एक चीज़ है, इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए ये लोग लड़े थे और इंसाफ के लिए ये लोग बोले थे, किन्नर समाज, गोलू, गोरखपुरिया भौजी और राधा राज। जबकि गोरखपुरिया भौजी का एक वीडियो पड़ा हुआ, जाके देखिए उसमें, कि उनका गाड़ी में आग लग गया है, उनके गाड़ी में आग लगा, उसके वजह से वो लेट पहुंची थी वहाँ। लेट पहुंचने का सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा एक रीज़न है कि उन्होंने लेट पहुंचा, गाड़ी का आग लग, वो तो खफा हुए थे कि हमको नहीं बुलाया गया था, तो अच्छा हुआ आप लोग नहीं आए, नहीं तो आप लोग आते ना तो आप लोग पे भी जो ये झूठा इंजाम का धारा हम लोग लेके घूम रहे हैं ना, ये आप पे भी लगता होने के कारण। तो आप लोग तो वो चीज़ नहीं देख रहे हैं, बस गोरखपुरिया भौजी को जेल दिया जाए, गोरखपुरिया भौजी को जेल दिया जाए। और एक भैया है समीर चौधरी, वो भी इंटरव्यू आके देते हैं, मैंने जिस पे हाथ रख दिया वो खलास हो जाते हैं, वो किसी भी तरीका से भम हो जाते हैं, मेरा काला जवान है, ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। मैं आपको यही चीज़ कहता हूँ, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं अगर अन्यथा कोई गलत कर रहा तो उसके साथ में आप गलत करिए। ये मैटर कहीं और का था, ये मैटर कहीं और आ गया, मौत मालती चौहान का हुआ, मज़ा कोई और ले रहा है,
उनके घर वाला को मतलब क्या दिल पे बीतता होगा वो उनका घर वाला जानता है। टीआरपी, व्यू, जेल, गोलूर, राधा, गोरखपुरिया, ये सब क्या नाटक ड्रामा है भाई। इंसाफ मांगो, इंसाफ। मालती चौहान की मौत हुई है, इंसाफ मांगो। अगर कोई इंसान अगर आपको नज़र में गलत है, आपके नज़र में अगर वो कोई नचनिया है, वह कोई वो रोड पे मांगता हुआ फकीर है, या भीख मांगने वाला हो, या कोई सा भी कैटेगरी का इंसान हो, अगर किसी का कातिल कत्ल कर दिया जाए तो क्या उसका हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं है? हिंदुस्तान में उसका इंसाफ नहीं है? ऐसा ऐसा केस बहुत सब पड़ा हुआ पेंडिंग में है, अभी तक सुशांत सिंह राजपूत का क्लियर नहीं हुआ, आकांक्षा दुबे का क्लियर नहीं हुआ है। तो भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आशा करता हूं यूपी सरकार, बहुत उनका नाम है पूरा वर्ल्ड में, यूपी सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप इनका कड़ाई से जांच लिए किया जाए, आप इस केस के मैटर में कुछ बोले आके और इस मैटर को बढ़ावा देके, ताकि ऐसा मालती किसी के साथ में ना हुए, ऐसा घटना कोई विष्णु फिर पैदा ना हुए। अगर विष्णु गलत है तो, अगर गलत नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। आप पूरी जानकारी लेके सीबीआई जांच करवा के इसका एक निदान निकालिए, और किस वजह से वो मरी थी, किस कारण वो मरी थी, उसका एक अनुदान होना चाहिए। और आप लोग से एक अनुरोध है, आप लोग से एक निवेदन है कि थाने पे जाके तांडव ना करें। प्रशासन काम कर रहे है अपना, प्रशासन को काम करने दे, प्रशासन के काम में दखल अंदाज ना दे, ये बेटर होगा। चाहे वो गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे वो राधाराज हो, चाहे वो गोलू हो। और इस वीडियो को में बने रहें, पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेगूसराय ब्रांड चैनल को सपोर्ट करें आप लोग। इससे अच्छा से अच्छा बेटर आप लोग को कहानी न्यूज़ देते रहेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में पूरा, और पूरा वीडियो को आप लोग देखिए और कमेंट करिए किस किस स्टेट से, किस राज्य से आप लोग देख रहे हैं, और मेरी बात और मेरी लास्ट वाणी तक क्या आपको अच्छा लगा, क्या गलत लगा, उसका राय दीजिए आप लोग। अगर गलती लगा हो तो आपसे क्षमा मांगता हूँ, और इस मैटर में कभी भी मेरे से गलती होता तो उसको आप रिपीट करिए, ताकि मैं उस गलती को सुधार पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।